गाइस, हम आज बात करने वाले हैं रेनो की क्विड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, एंट्री लेवल सेगमेंट के कार में रेनो की क्विड सबसे आगे में खड़ी उतरती है, क्योंकि इसके जो लुक्स हैं वो एसयूवी काइंड के हैं और इसके जो फीचर्स हैं वो काफ़ी हाईटेक हैं। इसके कंपटीटर्स हैं टियागो, डैटसन रेडिगो, मारुति ऑल्टो और आदि। इसकी इंजन 3 सिलेंडर की है और 68 पीएस का पावर जनरेट करती है। कार काफ़ी गुड लुकिंग है। इसमें आप अपने मन से रूफ रैप भी डलवा सकते हैं, डेकल्स भी लगवा सकते हैं, जैसा कि आप पिक्स में देख रहे हैं। इस कार में आपको ट्विन पावर 1 वाइपर आएंगी। इसमें आपको 2 ग्लव बॉक्स मिलेंगे, आपको एसी के कंटेंट में मिलेंगे, ऑटोमेटिक एसी नहीं है। पावर विंडो के स्विचेस भी फ्रंट में मिलेंगे, सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन है। स्टोरेज काफ़ी है गाड़ी में। कार में आपको जैसा मैंने बताया वाइपर काफ़ी अच्छी मिलेगी, बड़ी साइज की। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा आपको, जिसमें सारी फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स। इसमें आपको रिक क्लच का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिंपल स्टीयरिंग व्हील है जो कि लेदर स्ट्रैप नहीं है। रियर में आपको पावर विंडोज नहीं मिलेंगी। इस कार में आपको मीडिया नैप सिस्टम मिलता है जो कि डस्टर से ऑप्टिमाइज किया गया है। इसमें आपको बूट काफ़ी बड़ा मिलेगा 300 लीटर्स का। इसके इंटीरियर्स काफ़ी हाईटेक लगते हैं दोस्तों, लेकिन टियागो के सामने ये थोड़े भीखे पड़ जाते हैं। इसमें आपको रेनॉल्ट क्रोम पैक भी देंगी, जिसमें आप वो अलग से आप लगवा सकते हैं। आपको इसमें क्लैडिंग्स मिलेंगी, क्लैडिंग्स के एकदम फ्रंट में ऑप्टिमाइज किया गया है साइड इंडिकेटर्स। इसमें आपको डोर क्लैडिंग्स मिलेंगी जो कि काफ़ी अच्छी लगती हैं, एसयूवी काइंड के लुक देती हैं कार को। कार के हेडलाइट भी काफ़ी अच्छे हैं, स्मोक्ड हेडलाइट्स हैं, एसयूवी लुकिंग लगते हैं। और इसमें आप रेनो क्विड में एएमटी मॉडल भी आता है, जिसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊँगा। इसमें आपको काफ़ी सारे कलर्स मिलते हैं, काफ़ी सारे डेकल्स मिलते हैं। कार की ग्रिल काफ़ी अच्छी है, क्रोम में आप उसको चेंज करवा सकते हैं। फ्रंट का भी बोल्ड लगता है कार का, और फॉग लैंप्स में काफ़ी अच्छे रेंज पकड़ती हैं। कार में जो फॉग लैंप्स हैं वो ब्लैक पोर्शन से आउटलाइन किए गए हैं, और कार में आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। इस कार की मेन कॉम्पिटिटर है मारुति सेलेरियो, और जैसा कि आप जानते हैं हुंडई की ईयोन भी काफ़ी दिन से चलते आ रही है इस मार्केट में, और टाटा की टियागो जो अभी प्रीमियम कार लगती है। मारुति की ऑल्टो केटन 1 लीटर इंजन के साथ आती है, रेडिगो 1 लीटर 800cc ऑप्शनल है, और इसमें ऑल्टो 800 भी खड़ी नज़र आती है। लेकिन जब आप रेनो क्विड को देखेंगे ये आपको एसयूवी स्कर्ट की लगेगी। कार में 3 सिलेंडर रेंज जो कि काफ़ी अच्छा पावर जनरेट करता है, लेकिन उतना रिफाइंड नहीं है। कार में रूफलेस आपको ऑप्शनल मिले। कार में काफ़ी सारे कर्व्ड लाइंस हैं, जैसे कि आप बोनट पे देख सकते हैं, जो कि काफ़ी मस्कुलर लुक देता है कार को। कार में एलॉय व्हील्स नहीं आते हैं, लेकिन एलॉय जैसे किए हुए व्हील्स आते हैं, आप एलॉय से चेंज करवा सकते हैं कंपनी फिटेड, जो कि ऑप्शनल एक्सेसरी के रूप में है। यहाँ जो आप खाली स्पेस देख रहे हैं उसी में एएमटी डायल फिट होता है। आपको कार में, जैसा कि बहुत लोगों ने कहा कि कार में बारिश का पानी आ जाता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, और कार में अंडर जो प्लास्टिक की पार्ट्स आती थी उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। उसके लिए आर्मर आता है, ठीक, आप कवर भी बोल सकते हैं। कार के सारे फीचर्स काफ़ी क्रोम गार्निश लगते हैं, अच्छे लगते हैं कार के फीचर्स। कार में काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है। कार की इनिशियल एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन कार में थोड़ा सा शेकीनेस है। कार में आप काफ़ी सारे क्रोम के काम करवा सकते हैं। कार की हेडलाइट्स और टेल लाइट्स दोनों ही काफ़ी अच्छी लगती हैं। ये किसी भी काइंड से आपको गाड़ी नहीं लगी पहले बार फोटो में देखने में। कार में साइड में जो पहले ब्लैक क्लैडिंग आती थी, अब उसमें वाइट की फ्लैग जैसी स्टिकर लगा दी गई है, जो कि और अच्छी लगती है। कार आपको पर किलोमीटर 23 से 25 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कार उतना दे पाएगी। कार मुझे लगता है 19 से 18 आपको ऑन दी रोड दे देगी। कार की लुक्स काफ़ी अच्छी हैं। कार में आपको ऑल्टो से ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। कार में मीडिया नैप मिलता है, जिसे आप ब्लूटूथ और म्यूज़िक चला सकते हैं, और उसमें आप शायद वीडियो भी चलाते हैं, जिसमें इनबिल्ट मैप नेविगेशन है, जो कि काफ़ी बड़ा फीचर है इस कार के लिए। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।